भाई मिले हैं, क्या नाम हो गया आपका? धीरज। मेरा नाम धीरज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। ये साइकिल पंजाब से पठानकोट से शुरू किया था। और इन्होंने अभी ऑल इंडिया साइकिल यात्रा का सफर मतलब के लिए निकले हैं और अभी ये रुके हुए हैं। कौन सा होटल का क्या नाम है? चांडिल होटल में कल रात को यहाँ पर ठहरे थे। डैम के पास आया था और मैं कल जमशेदपुर से निकला था। मेरी यात्रा 11 नवंबर 2021 को पठानकोट से शुरू हुई थी और 16 स्टेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद मैं बांग्लादेश में एंट्री किया था और 17 दिन बांग्लादेश में रुक कर मैं कोलकाता पहुंचा और कोलकाता से फिर अभी रांची की तरफ बढ़ रहा हूं। तो 10,425 किलोमीटर का सफर मेरी तय हो चुकी है और जो बचा हुआ स्टेट है उसको मैं अभी पूरा करूंगा। और मेरा ये इस यात्रा का उद्देश्य है, मकसद है कि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ। पटना से BA MA किया हूँ 2015 में, MA, और दिल्ली से MPhil किया 2019 में। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। तो ये यात्रा का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं इंडिया को अच्छे से तरीके से जान सकूँ, देख सकूँ और उसके बारे में फिर लिख सकूँ। और लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि हे दुनिया के मानुष, किसी प्रकार का भेदभाव बंद करो। जो भी देश में या विदेश में कहीं पर भी दुनिया में कहीं भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये लोगों के लिए मैसेज है। शुक्रिया आपके प्यार के लिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल का नाम? मेरा यूट्यूब चैनल है धीरज सफरनामा, DHIRAJ स्पेस सफरनामा, SAFARANAMA सफरनामा, धीरज सफरनामा। प्लीज सभी लोग यूट्यूब चैनल में इनका जाकर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उनसे आप इनको सपोर्ट करें, इनको तभी और ये आगे बढ़ पाएंगे। आपके सपोर्ट को जरूरत है। जी जी शुक्रिया। जी जी जय हिंद। चलने वाले हैं रांची के लिए। जी जी। अभी चांडिल डैम से ये यहाँ का घूमे और यहाँ पर बोटिंग तो शुरू नहीं हुई थी अभी, लेकिन अब आगे की यात्रा के लिए सभी इनको शुभकामना दीजिए ताकि ये पूरी जो लक्ष्य से निकले हैं उनका ये लक्ष्य पूरा हो। तो इनका वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे हम। धीरज सफरनामा। हाँ, धीरज सफरनामा आराम रहेगा। बहुत सारे देश के फोटो बुला के, लेकिन साइकिल से चलना मैं सारे इंडिया में घूमना है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो ये है चांडिल डैम और यहाँ बोटिंग का भी सुविधा है। देख रहे कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और देख रहे ना, यहाँ से पूरा पहाड़ी, पूरा उस साइड में पूरा पहाड़ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आए और मेरे बारे कुछ जानकारी दी है। हम बताते हैं कुछ। हाँ बताइए। चीज फर्क पड़ेगा कि यहाँ के जो पानी है बहुत साफ है। रीजन ये है कि यहाँ पर एक लेफ्ट साइड एक पहाड़ है, एक राइट साइड पहाड़ है, उनके बीच में पानी, बहता पानी को माना गया है, जिसके कारण पानी जो काफी साफ रहता है। इसका बेसिन थोड़ा कम है, घूमने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जो दृश्य है वो वाकई शानदार है। अभी समय मिले तो जरूर आइए। बोलिए आप। तो अभी हम लोग चांडिल डैम गए थे, बहुत मजे लिए और एक मिस से भी मिले थे और हम लोग ने देखो क्या पाया है, दिखाई का चिरैता, जो ब्लड को प्यूरिफायर करता है और शुगर में भी इसे यूज करते हैं बहुत सारे। यार देखो कितना बड़ा है, कि दिख रहा ना, चाहिए तो ले जा सकते। और अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को फ्लाइट पकड़ना है जल्दी जल्दी। को यार गाड़ी मॉरीशस जाना। तो हम लोग अब निकलते हैं मॉरीशस के लिए। देखो ना काफी घना जंगल है और इधर शेर भी आ जाती है कभी कभी, इसे चलते थोड़ा जरूरी है जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग और अपना पूछा वेट कर लेगा, हम जा रहे हैं। देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है यार, पूरा इसका क्या बोलते हैं उसको, खूबसूरत सा दृश्य है ये चांडिल डैम का। और ये बांध जो बना हुआ है, जो उसके ऊपर में पुलिया है और इधर छोटी पुलिया हम लोग गुजरेंगे अभी। और बताए वाह यार किसी खूबसूरत लड़कियां है, सुनी नहीं मतलब चप्पल पर मारती, क्या बोलते। देख रहे हैं ना यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां है यार काफी, और शूटिंग चल रहा है यहाँ पे, क्या बात है। तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां है जो ऊपर ही है, अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं उसके भी पकड़ता भी। देख रहे हो ना कितना मस्त सा लुक है। आप चांडिल डैम जरूर आए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपको चांडिल डैम दिखाने के लिए मैं लातेहर से इतना दूर से आया होता।
जरूर कर सकते हैं। तो चांदिल डैम को बोल और हम लोग अपनी मंजिल की ओर अब जा रहे हैं जहाँ से आए हैं। काफ़ी ठंड है और पूरा कुहासा भी है और समय हो चुका है लगभग 11 बज चुके हैं। तो भी देख रहे अभी तक सो रही है बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी तो नहीं है देखिए मैच देख लेते हैं।